टू, एनिमल हस्बेंड्री पार्ट टू। कल हमने सॉरी ब्रीड कर ली थी ए टू जेड, आज हम करेंगे एक्जोटिक ब्रीड ऑफ, एक्जोटिक ब्रीड ऑफ शिप, एक्जोटिक ब्रीड ऑफ गोट, सारी करेंगे। एक्जोटिक ब्रीड भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, हम कर रहे थे कल मिल्क के बारे में, लेकिन मिल्क के बारे में मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए थे, 10 पॉइंट्स और बताएंगे। मिल्क में कौन सा शुगर होता है? मिल्क में कौन सा शुगर होता है? मिल्क, क्या दूध मीठा होता है? किसकी वजह से? लैक्टोज। मिल्क में कौन सा शुगर? लैक्टोज। सबसे स्वीटेस्ट मिल्क कौन सी काऊ का है? सबसे स्वीटेस्ट मिल्क कौन सी गाय का? कौन सी गाय का? साहीवाल। कौन सी गाय है भाई? साहीवाल। कौन सी गाय है? साहीवाल। साहीवाल। तो मिल्क में तीन चीज प्रेजेंट होती हैं, बोलो, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज। ये तीनों किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? फैट कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है मिल्क में? कौन सी फॉर्म में? इमल्शन। कौन सी फॉर्म में? और प्रोटीन? प्रोटीन। और लैक्टोज? सोल्यूशन। लैक्टोज कौन सी फॉर्म में? इमल्शन। क्या होता है, जैसे आपने देखा गीला गीला पाउडर सा, कोई भी पाउडर देखा हो थोड़ा वेट वेट, वो इमल्शन फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? इमल्शन। कोलोइडल थोड़े थोड़े, मतलब जैसे कंकर टाइप, छोटे छोटे देखे हैं कोई ऐसे? अरे तुमने यूरिया डीएपी देखा है क्या? कोलोइडल टाइप होता है। कौन सा टाइप है? कोलोइडल। सॉल्यूशन होता है लिक्विड फॉर्म। क्या होती है? लिक्विड। कौन सी फॉर्म है? लिक्विड। तो फैट कौन सी फॉर्म में? प्रोटीन। लैक्टोज। और कौन सा शुगर होता है मिल्क में? लैक्टोज। कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज। कौन सा शुगर? वेरी गुड, ठीक है। मिल्क सबसे ज्यादा, मिल्क कौन सी बफलो देगी? मुर्रा। कौन सी बफलो देगी सबसे ज्यादा दूध? मुर्रा। मिल्क सबसे ज्यादा कौन सी गाय देगी? कौन सी काऊ है? कौन सी गाय है? आज पढ़ेंगे एचएफ के बारे में, ठीक है। होलिशियन फ्रीशियन। कौन सी? होलिशियन फ्रीशियन। होलिशियन फ्रीशियन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, एक होता है प्यारे बच्चों पास्चुराइजेशन। मिल्क में क्या होता है? पास्चुराइजेशन। मिल्क में क्या होता है? पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का मीनिंग क्या है? पास्चुराइजेशन का मीनिंग देखो क्या होता है, टू किल बैक्टीरिया, टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इन द मिल्क, मतलब जो दूध के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, सभी को किल करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन। क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन। मिल्क में कौन सा शुगर? लैक्टोज। स्वीटेस्ट मिल्क कौन सी गाय का? साहीवाल। फैट कौन सी फॉर्म में? प्रोटीन। लैक्टोज। वेरी गुड। सबसे ज्यादा दूध कौन सी भैंस देगी? और कौन सी गाय? पास्चुराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? तो किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब मिल्क के अंदर जितने भी बैक्टीरिया ना, सभी को किल कर दिया, क्या दूध फिर जल्दी खराब हो जाएगा या लेट? लेट, लेट। जो आप थैलियों वाला दूध लाते हो ना शॉप से, कल हमने किया था कौन कौन सा? बोलो डबल टोंड। बोलो डबल टोंड। सिंगल टोंड। स्टैंडर्ड। फुल क्रीम। फुल क्रीम। डबल टोंड में कितने परसेंट फैट? 1.5 ऐड करते जाओ। सिंगल टोंड में? स्टैंडर्ड में? 4.5। और फुल क्रीम में? 6% फैट। क्या होता है ये?
फैट, क्या होता है फैट। अब ये बना कैसे, अब हम पास्चराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे पास्चराइजेशन। वो भी आप थैली लाओगे दूध की जितने भी, उस पर लिखा पास्चराइज्ड मिल्क, क्या लिखा पाएगा पास्चराइज्ड मिल्क। अब आपको इंग्लिश आती है देखो पास्चराइज्ड मिल्क, यहां पर अब ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है सेकंड, सेकंड मतलब पास्ट, मतलब पास्चराइजेशन हो चुकी है, तो पास्चराइजेशन करते हैं। अब देखो पास्चराइजेशन कितनी प्रकार की, बोलो लो टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम, बोलो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम सेकंड। अब देखो लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है तो समय क्या लगेगा लॉन्ग, तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, कितना टेम्परेचर 61 से 63 डिग्री और 30 मिनट्स का मतलब हाफ एन आवर, ठीक है ठीक। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, बोलो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। देखो टेम्परेचर हाई हो गया तो टाइम कितना लगेगा शॉर्ट, टेम्परेचर हाई है तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, 4 मतलब क्या है, मिल्क को हमने मशीन में डाला और 61 से 63 टेम्परेचर कर दिया और 30 मिनट्स के लिए, तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया थे सारे के सारे क्या हो गए किल। तो अब दूध थैलियों में पैक करके और मार्केट में भेज दिया, ठीक है ना। तो पास्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। और क्या मेथड है, अब टेम्परेचर हाई कर दिया तो हाई में कितना कर दिया 71 से 76.6 डिग्री सेल्सियस, कितने सेकंड्स के लिए 15 सेकंड के अंदर पास्चराइजेशन हो जाती है। यदि हम टेम्परेचर कितना कर दें 71 से 76.6, 71 से 76.6, तो बोलो फिर मिल्क, मिल्क में कौन सा शुगर, स्वीटेस्ट मिल्क कौन सी का होगा, फैट कौन सी फॉर्म में, प्रोटीन लैक्टोज, सबसे ज्यादा दूध कौन सी भैंस देती है, सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय। पास्चराइजेशन का मीनिंग क्या है, टू किल पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द मिल्क। डबल टोन्ड में कितने परसेंट फैट, ये आपके पेपर में आया था, डबल टोन्ड में कितने परसेंट फैट 1.5%, सिंगल टोन्ड में, स्टैंडर्ड फुल क्रीम 6% फैट। पास्चराइजेशन कर रहे हैं हम, पास्चराइजेशन तीन प्रकार की है, पहली कौन सी थी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर 61 से 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, वेरी गुड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, कितना टेम्परेचर 71 से 76.6 फॉर 15 सेकेंड्स। थर्ड होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, क्या होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर टू टाइप्स, एक तो है 148 डिग्री सेल्सियस कर दिया और एक कितना कर दिया 149 डिग्री सेल्सियस। 148 पे होता है 1 से लेकर 5 सेकेंड, देख लो बस, मतलब क्या है दूध डाला 148 टेम्परेचर सेट किया, पास्चराइजेशन कंप्लीट। फिर क्या करते हैं 148 कर दिया ना, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा कम करते हैं आराम से, ठीक है ना। एक बार हम क्या, जैसे कोई भी स्पीसीज है, यदि कोई भी बैक्टीरिया बेचारे छोटे छोटे 148 डिग्री पे तो मर ही जाना उन्होंने, है ना, तो एकदम ही मार देते हैं उनको, फिर धीरे धीरे स्लो कर देते हैं टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं पास्चराइजेशन, क्या बोलते हैं उसको पास्चराइजेशन, टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में हमने कितना कर दिया 148, कितना कर दिया 148, और 149 पे कितने सेकंड के लिए 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड मतलब हाफ एन सेकंड, आधा सेकंड, ठीक है। अब दोबारा से दोबारा करते हैं रिपीट, तो दूध के अंदर कौन सी शुगर हो गया याद,
दूध मीठा किसकी वजह से है? सबसे ज्यादा लैक्टोज किसके मिल्क में? साहीवाल, साहीवाल गाय, साहीवाल गाय का सबसे स्वीटेस्ट मिल्क होता है। फैट कौन सी फॉर्म में? प्रोटीन, लैक्टोज, ठीक है। सबसे ज्यादा भैंस कौन सी दूध देगी? गाय। पास्चराइजेशन का मीनिंग टू किल पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, जो आपको किसी भी शॉप पे अब जाओगे ना आप, आपने ये कहना पड़ेगा डबल टोंड दे दे। जिसको नहीं पता वो कहता 20 वाली थली दे दे, वो कहेगा 30 वाली दे दे। तो 30 वाली फुल क्रीम होता है। क्या होता है? फुल क्रीम, क्योंकि इसमें मिल्क क्रीम है तो महंगा होगा। तो डबल टोंड में कितने परसेंट फैट? 1.5। सिंगल टोंड में 3। स्टैंडर्ड फुल क्रीम 6। क्लियर है ना इतना? तो पास्चराइजेशन हमने की, पास्चराइजेशन लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, क्या आ गया? 1.48 सेकेंड्स और 149 पे 0.5। क्लियर है इतना? क्वेश्चन पूछ ले, 5 क्वेश्चन फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। 5 क्वेश्चन पूछते हैं यहीं से। क्वेश्चन नंबर 1, 5 क्वेश्चन इकट्ठे लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, बोलना नहीं किसी ने, किसको 5 के 5 क्वेश्चन, 5 के 5 क्वेश्चन। एक्यूरेसी, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन याद नहीं है किसी को? हो गए, अब 100% है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, देखते हैं आप। देखो, लैक्टोज किस फॉर्म में होता है? कौन सी फॉर्म में? लैक्टोज कौन सी फॉर्म में हो गया? सोल्यूशन। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ कौन सी है? अच्छा, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, देखना अभी सामने आएगी। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, कितना? 61 से 63 डिग्री सेल्सियस। सिंगल टोंड में, फुल क्रीम में, यही तो बोले। और मुर्रा भैंस के दूध में कितने परसेंट फैट था? 7% फैट। और बदावरी में 13%। एक ना मिल्क में चीज आती है कोलोस्ट्रम, क्या होता है? यह क्या होता? देखो, किस किस के घर गाय और भैंस है, काउ हो या बफलो। जब गाय और भैंस एक बच्चे को, तो जब स्टार्टिंग का मिल्क होता है ना, जो 7 डेज का स्टार्टिंग का मिल्क, उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? बहुत ज्यादा प्रोटीन विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। जो ये कोलोस्ट्रम होता, किस किस ने खीस खाया है? खीस, वो येलो येलो कलर का खीस खाया होगा आपने, खीस खाया ना, तो वो इससे ही बनता है, कोलोस्ट्रम से। किससे? कोलोस्ट्रम से। किससे बनता है वो? कोलोस्ट्रम से। तो 0.8% प्रोटीन होता है, कितने परसेंट? और 21.4% प्रोटीन होता है, कितने परसेंट? तो ये तो है काउ में, किस में है? और ये किस में है? बफलो में, किस में? तो बोलो कोलेस्ट्रॉल।
स्टार्टिंग मिल्क होता है, कौन सा मिल्क होता है? स्टार्टिंग मिल्क, स्टार्टिंग मिल्क, ठीक है ना, जो बिल्कुल जैसे गाय या भैंस ने किसी भी अपने बच्चे को जन्म दिया, जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम, जिससे खीस बनता है। क्या बनता है? खीस। उसमें कितने, ये ना बिल्कुल येलो कलर का पाएगा दूध, किस किसने देखा होगा ना, आपने देखा है ना, तो येलो कलर का पाएगा, बिल्कुल येलो कलर का, मतलब इसमें कैरोटीन भरे पड़े हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा परसेंटेज है, हर चीज, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन कितने परसेंट होता है? 17.8% किसके मिल्क में? काऊ। और 21.4% किसके मिल्क में? बफलो। किसके मिल्क में? बफलो। किसके मिल्क में? बफलो। क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, ये लो क्वेश्चन आ गया, एचयू का क्वेश्चन एज इट इज, फैट परसेंटेज मैक्सिमम इन, फैट परसेंटेज बोलना नहीं, मैक्सिमम इन विच एनी, बोलना नहीं भाई, किसी ने भी बोलना नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो, ए ऑप्शन काऊ, बी ऑप्शन बफलो, सी ऑप्शन गोट, डी ऑप्शन शिप। तो बोलो फिर, ए बी सी, ए बी सी डी, बी डी, क्या आएगा? डी। तो भाई देखो, जो ये बफलो होता है ना, इसमें 7.38% है एवरेज फैट, क्या होता है? एवरेज फैट। लेकिन शिप में हो सकता है 7.9 तक, कहां तक हो सकता है? 7.9। तो यूनिवर्सिटी ने कौन सा आंसर माना? शिप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है चाहिए उन्हें? शिप। तो शिप इज द राइट आंसर। शिप के मिल्क में कितने परसेंट फैट हो सकता है? 7.9%, 7.9%, 7.9%, और बफलो में 7.38, 7.38, 7, वो हाँ, फिर वो तो एक ही बफलो ही ना। यदि ये आ जाए ना ऑप्शन में, देखो फैट किस में मैक्सिमम है, और ए ऑप्शन आ जाए गोट, शिप, काउ, बदावरी, बफलो, तो बदावरी राइट आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि बफलो तो पूरा एवरेज लेगा ना, टोटल बफलो का, वैसे बदावरी बफलो इज द राइट आंसर। बदावरी में कितने परसेंट होता है? बदावरी में कितने परसेंट होता है? 13% फैट। कितना होता है? 13% फैट। और बफलो में 7.38 एवरेज है ये, और शिप में कितना हो सकता है? 7.9। क्वेश्चन नंबर टू, सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर कौन से एनिमल का? बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम किसका होता है? हैन। टेम्परेचर मैक्सिमम किसका होता है? हैन। अब देखो, आपने सुना होगा एक प्रोसेस होती है हैचिंग, सुनिए, तो मुर्गी क्या करती है? मुर्गी के जो एग है, एग के ऊपर बैठ जाएगी, और 21 दिन तक क्या चलती है? हैचिंग। क्या चलती है? हैचिंग। तो उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, एग को क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैचिंग। और एग से क्या निकलेगा? चिक। चिक का मतलब क्या होता है? मुर्गी का बच्चा, देखा है क्या, छोटा सा होता है चिक, और उसको कोई खा जाए, उसके मीट को क्या बोलते हैं? चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन। चिक के मीट को चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन। चिक के मीट को चिकन, ठीक है ना, क्लियर है। तो हैचिंग क्या होता है? मुर्गी करती है हैचिंग, भगवान ने इसलिए बॉडी टेम्परेचर सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका रखा? हैन का। कितना है? 41.7 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 41.7 डिग्री सेल्सियस, 41.7 डिग्री सेल्सियस। किसका बॉडी टेम्परेचर है? हैन का। हैन का बॉडी टेम्परेचर कितना?
41.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज शिप में, सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज शिप में, और सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर हैन का कितना, 41.7 डिग्री सेल्सियस, 41.7 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। अब क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, परसेंटेज मैक्सिमम किस में है, वाटर परसेंटेज मैक्सिमम किस में है, तो वो है गोट में, किस में है, गोट, गोट मतलब बकरी, बकरी में कितने परसेंट होता है, और यदि गोट ऑप्शन में ना आए तो काउ इज द राइट आंसर, क्या आएगा, काउ इज द राइट आंसर, यदि गोट ऑप्शन में ना आए तो काउ इज द राइट आंसर, क्योंकि बिल्कुल बारीक सा डिफरेंस है, ठीक है। तो वाटर परसेंटेज किसके मिल्क में सबसे ज्यादा होती है, गोट, कितने परसेंट, 87, कितने परसेंट, कल वाली क्लास लगाई थी तो बताओ फिर बिटुल क्या है, मुर्रा, साहिवाल, हिसारडेल, असील, रोड आइलैंड रेड, मेवाती, बदावरी, सिरोही, ठीक है, सारी की सारी लर्न है, वेरी गुड। तो बॉडी टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, फैट परसेंटेज हो गया, नेक्स्ट आता है प्रोटीन परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज किस में ज्यादा है, प्रोटीन परसेंटेज मैक्सिमम इन, तो प्रोटीन परसेंटेज सबसे ज्यादा किस में होती है, शिप में, किस में होती है, शिप में, प्रोटीन परसेंटेज सबसे ज्यादा भेड़ में, किस में, भेड़ में, तो शिप में कितने परसेंट, 5.5%, लर्न करवाना मेरा काम है, तुम बस पढ़ते रहो, बोलते रहो, क्योंकि सुनता थोड़ा कम है, तो थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है ना, जितना जोर से बोलोगे उतना जल्दी याद होएगा। तो देखो सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज किस में, शिप, ठीक है, बदावरी में कितने परसेंट, 13, वाटर परसेंटेज मैक्सिमम इन, गोट में कितने परसेंट, 87, शिप प्रोटीन परसेंटेज 5.5, किस में होती है, शिप में, किस में होती है, शिप में, बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम हैन का कितना, 41.7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, लैक्टोज सबसे ज्यादा किस में होता है, लैक्टोज, लैक्टोज का मतलब शुगर, शुगर किसके मिल्क में सबसे ज्यादा होता है, कैमल, ऊंट, ऊंट किस किसने देखा है, ऊंट किस किसने देखा है, ऊंट, ठीक है, जो ऊंटनी का दूध होता है ना, ऊंटनी के दूध में 7 बार मलाई आती है, कितने बार, 7 बार, ऊंटनी के दूध में कितने बार मलाई आएगी, 7 टाइम, गर्म किया मलाई ले ली, फिर गर्म किया मलाई ले ली, 7 टाइम्स मलाई आती है, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। लैक्टोज किसके दूध में सबसे ज्यादा होता है, ऊंट। ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको कैमल क्रॉप के नाम से फेमस है, सोरगम, सोरगम का मतलब जवार, उसको क्या बोलते हैं, कैमल क्रॉप, क्या बोलते हैं, कैमल क्रॉप, क्या बोलते हैं, कैमल क्रॉप, कैमल क्रॉप क्या होती है, सोरगम, क्या होती है, सोरगम, सोरगम क्या है, कैमल क्रॉप। तो बताओ फिर सबसे सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर, सबसे ज्यादा वाटर परसेंटेज, सबसे ज्यादा प्रोटीन परसेंटेज, सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज, शिप, बफलो याद था ना, 38% है, लेकिन हो किस में सकता है, शिप में। तो हम एचयू के अकॉर्डिंग चलेंगे, एचयू ने शिप माना है तो अपने शिप है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया था, वीड आता है, मंडूसी भी बथुआ भी दोनों राइट आंसर है, लेकिन एचयू ने क्या माना, मंडूसी। तो भाई हम आगे से करवाएंगे, बारले में कौन सा आता है, मंडूसी, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू एचयू के पेपर के चलना है, ठीक है। तो ये सारा चीजें क्लियर है ना, वेरी गुड। भी सारा याद करवा के जाऊंगा, क्वेश्चन सुनूंगा लास्ट में, जैसे कल सुने थे ना ऐसे याद क्वेश्चन पूछेंगे सारे के सारे। अब हम करते हैं नेक्स्ट, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स के स्टमक 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4, अपना कितने स्टमक है, अपने एक, कितना है, एक।
गाय भैंस पता क्या करती है, जैसे तुम्हारे घर पे गाय भैंस है, ने क्या करा, तूड़ी हरा चारा खल बिंदोले या कुछ भी खिला दिया तो वो ना तुरंत खा जाती है, एक पेट में स्टोर कर लेती है, फिर बैठी बैठी रहती है और जुगाली करती रहती है, पता ना ऐसा जुगाली करती रहती है। ये क्वालिटी है, किसमें क्वालिटी होती है, ये एनिमल्स में, किसमें क्वालिटी है, ये एनिमल्स में, मतलब एक पेट में पहले डाल लेगी फिर वहां से निकालती रहेगी, जुगाली करती रहेगी, दूसरे में ट्रांसफर करती रहेगी, अपना तो है ही एक। यदि ये क्वालिटी अपने में होती तो देखो क्या होता, तो किसी दोस्त की या कहीं पर भी शादी आ गई, जाते ही पहले उनके सारे का काजू बादाम खा जाओ, सारे के सारे, मतलब एक चीज तो आप सारी खा जाएंगे, जितने रसगुल्ले हैं 101 रसगुल्ले हैं, कोई बर्थडे पार्टी में बर्थडे पार्टी वो खा गए, बाद में बचाते रहेंगे आराम से। तो भगवान ने भी पूरा मतलब सोच समझ के एक एक चीज दे रखी है। तो एनिमल्स में ये क्वालिटी है, तो स्टमक कितने होते हैं, 4। एनिमल्स में स्टमक कितने होते हैं, 4। पेपर में क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा स्टमक कौन सा है, रूमन। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, रूमन। कौन सा होता है, रूमन, इसलिए इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स एनिमल। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल। 4 होते हैं टोटल, 4 अपना मेन बड़ा याद रखना है, ठीक है ना, वैसे 4 है टोटल, 4 के 4 पूरी डिटेल में करवा देंगे, लेकिन आपके पेपर के अकॉर्डिंग कौन सा इंपॉर्टेंट है, रूमन। क्या इंपॉर्टेंट है, रूमन। एनिमल हस्बेंड्री 300 पेज की है, लेकिन हमने करनी है 15 पेज, 10 पेज या 15 पेज बस है, 300 पेज की, हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो एनिमल्स के कितने पार्ट होते हैं, स्टमक के 4, और सबसे बड़ा रूमिन, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल। क्या बोलते हैं इनको, रूमिनेंट्स एनिमल। क्या बोलते हैं, बता दो फिर, मिल्क किसकी वजह से मीठा होता है, लैक्टोज। सबसे ज्यादा मीठा दूध कौन सी गाय का, कौन सी गाय का, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है। डबल टोन में कितना फैट, 1.5%। सिंगल टोन में, स्टैंडर्ड में, फुल क्रीम में 6% फैट, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे, अब इतना हो गया अपना, अब करेंगे पार्ट एक्जोटिक ब्रीड गेस्टेशन पीरियड, दोनों चीजें करते हैं। पहले हम करते हैं गेस्टेशन पीरियड सभी एनिमल्स का, फिर मैं स्टार्ट करूंगा एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काउ गोट शिप और बस। अब हम करते हैं टॉपिक का नाम है गेस्टेशन पीरियड। क्या नाम है भाई, टॉपिक का नाम है गेस्टेशन पीरियड। क्या होता है पूरी डिटेल करते हैं इसकी, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड, मतलब क्या, 4 घंटे या 4.5 घंटे में एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट होगी, ठीक है। तो रेडी रहो, याद करवाना मेरी जिम्मेवारी है, बस क्लास लगा लेना तीनों। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, कोई भी हमारे घर एनिमल है, काऊ है या बफलो, तो हम ना नई दूध करवाते हैं, क्या करवाते हैं, नई दूध, या हॉस्पिटल में गए टीका लगवा दिया, नई दूध करवा दिया। तो वो क्या होता है, नई दूध करवाने के बाद जब तक गायें या भैंस अपने बच्चे को जन्म नहीं देती, जिस दिन बच्चे को जन्म दे दिया उस बीच के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं उस पीरियड को, गेस्टेशन पीरियड। समझ में आ गया सभी को, आ गया गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है ना। तो गेस्टेशन पीरियड सभी एनिमल्स का याद रखना है, पेपर में ये आता है। तो गाय का गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 282 दिन। कितना होता है, 282 दिन। गाय का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 282। गाय का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 282 दिन, ठीक है। के बाद देखो बफलो का क्या आ गया, बफलो, बफलो मतलब भैंस। भैंस का कितना होता है, 310 से 316 दिन, 310 से 316 दिन, 310 से 316 दिन। ये किसका होता है, भैंस का। अब याद रखो, एक होता है पिग, सुअर, क्या,
पिग क्या होता है? सुअर। ये ना जब भी फीमेल पिग है वो बच्चों को जन्म देगी, बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर सोने मोने, इतने इतने बच्चे होते हैं, 12-12, 13-13, 14-14 बच्चों को जन्म देती है, मतलब एक दर्जन से ज्यादा ही है। जब बच्चों को जन्म देगी तो एक दर्जन से ज्यादा बच्चे आते हैं, तो उसी से याद करना आपने, 14 बच्चों को जन्म देगी तो गेस्टेशन पीरियड कितना है? 114 डेज, 114 डेज, मतलब एक बार यदि नहीं दूध हो जाए तो 114 दिन बाद अपने बच्चों को जन्म दे देगी, 12-13 बच्चे सीधे आएंगे और बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। किसी का भी बच्चा देख लेना आप, चाहे गोट का, चाहे शिप का, चाहे काऊ का, चाहे बफलो का, लेकिन उनके संस्कार थोड़े अच्छे नहीं है, है ना, संस्कार सही नहीं है, लेकिन जब छोटे छोटे हैं प्यारे प्यारे होते हैं, बोलना नहीं भाई, बोलना नहीं। पिग का कितना होता है? 114 डे, और काओ का 282 डे, 282 दिन, और बफलो का 310 से 316 दिन, और पिग सुअर का, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब एक बात और याद रखने, अब जो गोट है बकरी है सिप से 2 कदम आगे है, कितने कदम आगे है? 2। गोट बकरी सिप से कितने कदम आगे? 2। कितने कदम आगे? 2। तो गोट का कितना है? 150, और सिप का 2 कदम आगे थी बकरी, तो 148 दिन हो गया, ठीक है। तो इतना गेस्टेशन पीरियड याद रखने आपने। एक और कैमल, कैमल का और कर लो, एक कैमल का कितना होता है? 391। तो पेपर में क्वेश्चन आ गया, पीरियड ऑफ कैमल, गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल, ए ऑप्शन 282, बी ऑप्शन 316, सी ऑप्शन 390 और डी ऑप्शन 114। ये तो गलत आ गया, क्वेश्चन ही गलत आ गया, 391 था यहां। तो कई बच्चे ये नहीं सोचना कि अच्छी की तरफ से तो क्वेश्चन ही गलत है, ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा सभी को, लगाओ ना आंसर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होएगा? पास वाला। क्या होएगा? जो पास वाला। तो 391 के पास में कौन है? 390। तो 390 इज द राइट आंसर। तो गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल, ठीक है ना। उसके बाद आ गया गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ, 282। गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफलो, 316। गेस्टेशन पीरियड ऑफ पिग, 114। 148 किसका है? 150, 114, 391, 282, 316, 316, 316, 282, काउ का, बफलो का, शिप का, गोट, 150 किसका है? 150 किसका है? 148, 391, 114, याद हो गया सभी का? कोई गेस्टेशन पीरियड आ गया तो कर दोगे? वेरी गुड। गेस्टेशन पीरियड के बाद आती है अब एक्जोटिक ब्रीड ऑफ बफलो, सारी की सारी करते हैं, लैक्टेशन पीरियड भी करवाएंगे हमने ना, 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री को। ये हमारा सेकंड लेक्चर है ना, ठीक है, 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अब आ गया एक्जोटिक ब्रीड करते हैं, सबसे पहले करेंगे एक्जोटिक ब्रीड से पहले 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देखते हैं किसको कितना याद है। ये लो, किसी ने बोलना नहीं, कोई भी किसी को बताना नहीं, एक एक पे नजर है, कोई भी नहीं बोलेगा, ना नहीं, कंडीशन ये है, जो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा वही एचयू की क्लास में बैठा पाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जो बच्चा यहां डिसिप्लिन में नहीं रहा ना, नहीं होएगा, नहीं होएगा।
तो पहले ही बता रहा हूं, डिसिप्लिन मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, जरूरी है, ठीक है। तो पांच क्वेश्चन वन टू वन आएंगे आपके पास, और पांचों का आंसर पता होना चाहिए, ये नहीं कि स्टार्टिंग के चार पता है ना, पांचों के पांचों, ठीक है। तो गेस्टेशन पीरियड, फर्स्ट क्वेश्चन है गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफलो। बोलना नहीं किसी ने भी आंसर, अपने अपने आंसर कॉपी में लिख सकते हो, कॉपी में लिख लो, लेकिन किसी ने बोलना नहीं है। गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफलो। नेक्स्ट आ गया गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ। थर्ड, तीसरा क्वेश्चन आ गया अपना कल वाले में से, मिल्क की पीएच, कल वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर फोर, मुर्रा बफलो के बारे में 5 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रोटीन परसेंटेज किसमें ज्यादा है। 5 के 5 क्वेश्चन जिसने कल क्लास लगाई है उसी को याद पाएंगे ये। जिस बच्चे ने कल क्लास लगाई है उनको 5 के 5 पॉइंट याद पाएंगे, जिस बच्चे ने क्लास नहीं लगाई उसको 4 पॉइंट लर्न पाएंगे, है ना, 3 से 4। तो वेरी गुड प्यारे बच्चों, लगभग 87% है। चलो करो नीचे। तो गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफलो 310 से 316 है, ठीक है ना, कुछ भी याद हो कर लो। गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ 282 दिन। मिल्क की पीएच 6.5 से 6.7 भी ठीक है, ये एवरेज पीएच है। मुर्रा के बारे में 5 पॉइंट। देखो अब देखो, एक तो होता है ब्लैक कलर, कौन सा कलर होता है, और ये है जेट ब्लैक कलर, कौन सा कलर है, जो प्योर ब्लैक होता है, प्योर ब्लैक, जेट ब्लैक कलर की मुर्रा भैंस होती है। सबसे ज्यादा कॉस्टली बफलो कौन सी है, मुर्रा। और इसका फेमस नेम था ब्लैक गोल्ड, क्या बोलते हैं, काला सोना, क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, मुर्रा, जेट ब्लैक कलर, मुर्रा, ब्लैक कलर, 7% फैट, 7% फैट, ओरिजिन इंडिया, हरियाणा, हिसार, रोहतक, जींद। सबसे ज्यादा बफलो हिसार में, सबसे ज्यादा मुर्रा बफलो जींद में। बिटुल क्या है, मारवाड़ी, गोट एंड सिरोही, जकराना, जमुनापरी, बारबरी, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, मेवाती, नागौरी, अमृत महल, हरियाणा, मुर्रा, जफराबदी, टोडा, बिटुल, इसारडेल, साबदी, ठीक है, जैसलमेरी, बीकानेरी, मालपुड़ा, लोही, बिटुल, साहिवाल, मिल्क की पी, मिल्क सबसे ज्यादा कहां होता है, यूपी, कंट्री में, इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क है। इंडिया के लिए कौन सी रिवोल्यूशन आई, कौन लाया, डॉक्टर वर्गीस, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे कब का है, तो नेशनल मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क, बहुत अच्छे। तो अब करेंगे हम सभी का मीट, मतलब गाय भैंस जितने भी सबके मीट है ना, सबके करेंगे। ये अपन पूरी कल की क्लास रिवाइज कर दी। गैस्ट्रेशन पीरियड सभी का याद हो गया ना, ठीक, क्या चीज, डॉक्टर वर्गीस कुरियन एनडीडीबी के हेड थे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, 1970 में उन्होंने एक प्रोग्राम, ऑपरेशन फ्लड, कौन सा, ऑपरेशन फ्लड का मेन मोटिव था इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, क्या था, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन।
मिल्क ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़, दूध की क्या ला देंगे, बाढ़। तो इंडिया में उन्हीं की वजह से दूध सबसे ज्यादा कहां पर है, इंडिया में। और उनको बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट, क्या बोलते हैं, ठीक है। 26 नवंबर का बर्थडे था और उसी को क्या बोलते हैं, नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे। अब करते हैं मीट, काउ के मीट को क्या बोलते हैं, बफलो के मीट को क्या बोलते हैं, गोट के मीट को क्या बोलते हैं, शिप के मीट को क्या बोलेंगे, सारा देखो। एक्जोटिक ब्रीड भी अभी करवाएंगे। नेक्स्ट आ गया हैन, हैन के बच्चे को क्या बोलते हैं, चिक, और मीट को, वेरी गुड। तो चिकन क्या आ गया, चिकन हो गया याद, वेरी गुड। काऊ के मीट को क्या बोलते हैं, बीफ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीफ, क्या बोलते हैं, बीफ। बफलो के मीट को क्या बोलते हैं, बफीन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बफीन, क्या बोलेंगे, बफीन। हैन के मीट को, काऊ, बफलो, शिप, मटन, कईयों के तो मुंह में पानी आ गया होगा ना, ठीक है ना, लेकिन गलत है, इंसानियत है, शाकाहारी चीजें खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, आंवला खाओ, है ना। फिर आ गया गोट, क्या आ गया, गोट, क्या आ गया, गोट। गोट के मीट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन आया था ना आजकल, कभी पिछले पेपर में आया होगा, एक में आ जाता है ये, देखो। अब हैन के मीट को, काऊ, बफलो, शिप, गोट, हैन, काऊ, बफलो, शिप, गोट। मटन फेमस है, मटन, मटन सुना होगा आपने, चिकन सुना होगा, ये नहीं सुने होंगे, और मटन, मटन सुना होगा और चिकन सुना होगा, ज्यादातर यही बेचा जाता है। तो हैन वाला चिकन, कल हमने की थी मुर्गियां, की थी ना, तो अब मैं बोलूंगा मुर्गी का नाम, आप बताओगे कौन सा पर्पज, बता दोगे, व्हाइट लेग हॉर्न एग पर्पज था, 220 एग देती है पर ईयर, याद है ना। रोड आइलैंड रेड, आर आर दो बार आ गया, दो बार आ गया, तो ड्यूअल पर्पज है, क्या है, दो। असील, और जो बच गई वह फिर उनका मीट ही खाया जाता है, चिकन, समझ गए ना, जो बच गई, जैसे कदकनाथ कलर का मीट, कौन से कलर का, फेमस फॉर मीट बोलो, रेड कॉर्निश, प्लाइमाउथ रॉक, रेड कॉर्निश, प्लाइमाउथ रॉक, फेमस फॉर, फेमस फॉर, हैन वाले को क्या बोलेंगे, याद हो गया, ये गारंटी है, सभी को याद हो गया, हैन के मीट को क्या बोलेंगे, काऊ, बीफ। गाय हमारी माता है, इसकी चार है ना, तो एक पूजिए, आपने पढ़ रखा सारा, तो गाय को बचाने का ठेका, मतलब क्या है भाई, इंडिया वाले, गाय हमारी माता है, इंडिया में ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो पढ़ते है ना तो भी शर्म आनी चाहिए, है ना। तो गाय का मीट का नाम लेना, लेकिन आपको बुक्स की लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, जरूरी है, लेकिन जितना हो सके गाय को बचाओ, है ना, जरूरी है, गाय हमारी माता है। अब ये तो ट्रैक्टर अभी आए हैं, पहले गाय दूध देती थी और गाय के बच्चे खेत में काम करते थे, बैल। कौन सी गाय के बच्चे खेत में ज्यादा काम करते हैं, ड्रोट, कौन सी, ड्रोट, कौन सी, ड्रोट। जो डेयरी पर्पज की काऊ होती है वो क्या देती है, दूध, और जिसके बैल खेत में काम करे, ड्रोट, और जो दोनों काम करे, ड्रोट। हरियाणा कौन सी है, और गिर, अमृत महल, वेरी गुड, ये याद हो गए सारे। काऊ के मीट को, हैन, बफलो, शिप, गोट, गोट, शिप, गोट, शिप, बीफ, बफिन, चिकन, मटन, चिवोन, याद हो, याद हो गया ना सभी। चलो अब क्वेश्चन पूछेंगे दो, ठीक, पोर्क, पिक के क्या बोलते, पोर्क,
देखो पिग, पिग के मीट को क्या बोलते हैं? फोर्क। अरे तूने वो चम्मच देखा, फोर्क, फोर्क देखा जिससे आप क्या खाते हैं? चौमिन। अब आया मुंह में पानी। तो पिग, पिग के मीट को क्या बोलते हैं? पोर्क। क्या बोलते हैं? पोर्क। क्या बोलते हैं? पोर्क। क्या बोलते हैं? पोर्क। पिग के मीट को पोर्क, चिक के मीट को चिकन, और बीफ काऊ, बफिन बफैलो। ठीक है, जो ये गाय भैंस आवाज करती हैं, जो बफलो और काऊ, इनकी इनकी आवाज को क्या बोलते हैं? बेलोइंग। क्या बोलते हैं? अरे गाय भैंस आवाज करती, ये भी बोलती हैं, हम नहीं समझते इनकी लैंग्वेज। गर्मी और यह पंखा चला दो, फिर पंखा तो चला दो, चलो कूलर तो नहीं लगा रखा, पानी ले आओ, खाना ले आओ, भूख लग रही है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। आने वाले टाइम पे हम समझेंगे इनकी लैंग्वेज को भी, ठीक है ना। तो बेलोइंग, गाय और भैंस जो बोलती है उसको क्या बोलते हैं? बेलोइंग। क्या बोलते हैं? बेलोइंग। क्या बोलते हैं? बेलोइंग। क्या बोलते हैं? बेलोइंग। जो गोट और शिप जो ये बोलती है, इनके आवाज को क्या बोलते हैं? ब्लीट, ब्लीटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। जो गोट कैसे बोलती है? मैं वही है, मैं बोलती है ना। तो तुमने एक मूवी में भी देखा होगा अक्षय कुमार की, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अर्जुन से पहले। तो यही तो बोलती है गोट। तो ये कौन, इसको ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लीट। क्या बोलते हैं? तो ब्लीटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। क्लियर है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लीटिंग। पहले ना पुराने जमानों में क्या होता था, सुबह सुबह ना अलार्म नहीं होते थे, सुबह सुबह हैन होते हैं, जो मुर्गियां होती हैं, मुर्गे होते हैं, ये बोलते थे सारे सारे, सुबह होगी भाई उठ जाओ, अब सारे काम स्टार्ट हो जाता था। किसी के पास वो थोड़ी होता था भाई, अलार्म 5 बजे का अलार्म लगा दो, 5:30 का, ये बोलते थे और आप उठ जाते थे। आजकल ये बोलना ही छोड़ गए, क्योंकि अपना अलार्म लग रहा है 9 बजे का, ये बोले 5 बजे, कोई उठता ही नहीं था। तो इन्होंने धीरे धीरे बोलना छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो जो ये हैन है, ये बोलती है, इसको क्या बोलते हैं? क्लचिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लचिंग। ये आपका होमवर्क रहेगा, पिग क्या बोलता है, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये अपने आप चेक करके आओ, कल बताऊंगा मैं, ठीक है ना। पता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करके आने दो, सभी चेक करके आएंगे। तो बोलो फिर, गाय और भैंस बोलती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और शिप और गोट, शिप और गोट, स्टमक के कितने पार्ट? सबसे बड़ा, इसलिए इनको कौन सा एनिमल बोलते हैं? रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल। दूध में कौन सा शुगर? कौन सा शुगर? लैक्टोज। किस फॉर्म में? फैट। कौन सी फॉर्म में? प्रोटीन। सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस? सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय? हैन कैसी आवाज करता है? क्या करता है? क्लचिंग। बोलो क्लचिंग। क्लचिंग। काऊ और बफलो, शिप और गोट, लर्न हो गया? Yes, पक्का? वेरी गुड। अब फिर आ गए हम एग्जोटिक ब्रीड की ओर। कल ये एनिमल हस्बेंड्री 1 घंटे की रहेगी, बस कंप्लीट ही होने वाली है, और 1 घंटे का हम लेंगे टेस्ट। एनिमल हस्बेंड्री से 100 क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीट होगी, कल कंप्लीट हो जाएगी, अपने रेडी रखना। परसों टेस्ट रख देंगे या कल टेस्ट रख देंगे, तो भी आपका दिल करे, मतलब कंप्लीट होते ही टेस्ट है। 100 क्वेश्चन में से 100 मार्क्स आने चाहिए, 100 में से 100। जितना लर्न करवाया उससे बाहर एक अक्षर भी नहीं आएगा, ठीक है। जितना बोर्ड पे लिखा उसी में से टेस्ट होएगा, और एचयू में भी नहीं आएगा उससे बाहर। 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा, उनके ऑप्शनों पर होगे तो वो 500 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट होते ही। एनिमल हस्बेंड्री जिस दिन कंप्लीट, कल हो जाएगी कंप्लीट, तो परसों टेस्ट रख देंगे, ठीक है। 1 घंटे का टेस्ट, 100 क्वेश्चन, तो करें भाई। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्जोटिक ब्रीड से। स्टार्ट करने से पहले
फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, पांच क्वेश्चन पूछेंगे अभी, जितना मैं करवा चुका हूं। कल वाले में से भी पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पांच क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, बफलो के मीट को क्या बोलते हैं? बफलो, बोलना नहीं अभी, एक मिनट रुक जाओ। लो, शिप के मीट को क्या बोलें? बोलना नहीं किसी ने भी, बस अपने आप को टेस्ट करो, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को टेस्ट करो कि हाँ मुझे कितने लर्न हुए, घर जाके पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? तो शिप के मीट को क्या बोलेंगे? उसके बाद आ गया लैक्टोज किसमें ज्यादा है, प्रोटीन किसमें ज्यादा है, फैट किसमें ज्यादा है, वाटर किसके मिल्क में ज्यादा है। लो, सारे ही क्वेश्चन एक जगह से उठा लिए, किस किस को लर्न है? पांच, वेरी गुड, पूछ ले। yes, देख लो अभी भी। yes, चलो, आप कल नहीं आए थे। तो शिप के मीट को क्या बोलेंगे? मटन। क्या बोलेंगे? मटन। और गोट वाले को? चिकन। और पोर्क किसको बोलेंगे? चिकन। बीफ। बफिन। वेरी गुड। लैक्टोज किसके दूध में से? किसके? प्रोटीन। फैट। वाटर। अब स्टार्ट करते हैं। नेटिव ब्रीड हमने कल की थी, मतलब होता है इंडिया की, कहां की? आप पूछ रहे थे ना, एक्जोटिक ब्रीड। एक्जोटिक ब्रीड होती है बाहर की, मतलब इंडिया से बाहर, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, कौन सा स्थान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, इंडिया छोड़ के कौन सी भी कंट्री हो, ठीक है ना? तो सारे की सारी, कौन सा? हाँ, वो पाकिस्तान, पहले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारा एक ही था, यही एरिया था ओरिजन का, ठीक है? तो स्टार्ट करें भाई। एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काउ, लिख लो, एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काउ, एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काउ, गोट की एक्जोटिक ब्रीड, सॉरी गाय की, काउ एक्जोटिक ब्रीड। नेटिव ब्रीड का मतलब जो इंडिया की है, एक्जोटिक ब्रीड का मतलब जो इंडिया से बाहर की है, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे न्यूजीलैंड, चाहे अमेरिका, चाहे कहीं की भी हो, ठीक है? करें स्टार्ट। रेडी? चलो अलर्ट करते हैं। सबसे पहले साहिवाल क्या है? थोड़ा धीरे धीरे आंसर देना, ठीक है? मुर्रा। बिटुल। हिसार डेल। शाहबादी, ठीक है। मालपुड़ा। रामपुर बुशियर। गाड़ी। बकरवाल। डेकानी नेलोर मांड्या। डीएनएम। डेकानी नेलोर मांड्या। डेकानी नेलोर मांड्या। डेकानी नेलोर मांड्या। ओंगोल। थार पारकर। हैन के मीट को? काऊ के मीट को? बफलो के मीट को? गेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ? 280 और बफलो के मीट को? बफिन। बफलो के गेस्टेशन पीरियड? पिग का गेस्टेशन पीरियड? गोट कितने कदम आगे? गोट का गेस्टेशन पीरियड? शिप का 148 गेस्टेशन पीरियड हो गया। बोलो, लो टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। दूध में क्या होता है? कैल्शियम और
फास्फोरस। दूध में कौन सा विटामिन होता है? कौन सा नहीं होता? कौन सा एलिमेंट नहीं होता? वेरी गुड। तो मतलब क्या, एक एक चीज आपको लर्न है। जिसको लर्न नहीं है वो घर जाके या हॉस्टल में जाके पीजी में जाके पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ। सबसे पहली एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ एचएफ क्या है? एचएफ की फुल फॉर्म है होलिशियन फ्रीशियन। होलिशियन कौन सी कंट्री की है? होलैंड। कौन सी कंट्री की है? नीदरलैंड लिख देंगे। होलैंड नीदरलैंड एक ही बात है। तो एच से होलिशियन फ्रीशियन, तो होलैंड कहां की है? होलैंड। एचएफ गाय किस किसने देखी है? तुमने ऐसी गाय देखी है जिसके ना एक थोड़े ब्लैक कलर के धब्बे हैं, एक व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं, बड़े बड़े स्पॉट्स। वो सारी गायें एचएफ हैं, वो एचएफ की क्रॉस होती हैं। देखी हैं? जो ना अपनी गायें, जो अपने इंडिया की गायें होती है ना, उनकी कमर ऐसे पाएगी थोड़ी सी ऊपर नीचे, और जो ये बाहर की है ना एचएफ है, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट। पहचान करना कहीं पर आपको ये गाय दिखती है तो बता देना ये एचएफ है। किसी के घर गाय खड़ी भी हो ना, तुमने ब्रीड पूछनी है। जितनी मैंने ब्रीड करवाई उनमें से एक पाएगी पक्का। तो बोलो एचएफ। होलिशियन फ्रीशियन कहाँ की है? होलैंड और ये देखो, ये ना सर्दियों में रहती थी। कहां पर रहती थी? ठंड में रहती थी। कहां पर रहती थी? ठंड में। मतलब ठंडे इलाके इसको पसंद थे। यदि इसके थोड़ा सा भी गोबर टच भी हो जाए ना, 2 लीटर पानी दूध कम, 2 लीटर दूध कम। सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है विशेष रूप से। मतलब क्या, सबसे पहले इंडिया में लाए ना जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, जहां जहां ठंड वाले इलाके वहां रखा। फिर इसको एसी में लाए, कहां लाए? फिर कूलर में, कहां लाए? फिर पंखे में लाए, कहां पर लाए? आज कलकती हुई धूप में खड़ी है। मतलब इंडिया में यही काम करते हैं इंडिया वाले, है ना। स्टार्टिंग में पूरी फैसिलिटी, फिर कम करते गए थोड़ी थोड़ी। ये भी स्टार्टिंग में पूरा दूध, अब कम करती गई। ये भी तो दूध कम करेगी। दूध बहुत पतला होता है, लेकिन कितने हजार लीटर दूध दे सकती है पर ईयर? 5 से 6 हजार लीटर। जो भी इसका पर लैक्टेशन पीरियड है भाई, एक ईयर में कितना भी लैक्टेशन पीरियड है, 5000 से 6000 लीटर मिल्क। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? एचएफ। होलिशियन फ्रीशियन होलैंड की है। कहां की है? याद हो गया? पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, सेकंड नंबर ब्राउन स्विस क्या है? ब्राउन एस से स्विस, एस से स्विट्जरलैंड। कहां की है ये? कहां की है ये? तो ब्राउन स्विस गाय है स्विट्जरलैंड। कहां की है? स्विट्जरलैंड। कहां की है? स्विट्जरलैंड। तो ब्राउन स्विस कहां? स्विट्जरलैंड। भाई एचएफ के बारे में एक पॉइंट क्यों लिखा गया? सबसे ज्यादा दूध देती है, फेमस पॉइंट हो गया। इनके बारे में पॉइंट कोई है नहीं, तो इसका बस ये याद करना है ये कहां की है? स्विट्जरलैंड। थर्ड जर्सी क्या आ गया? जर्सी। तो जर्सी होती है इंग्लैंड की। कहां की जर्सी? कहां की है? इंग्लैंड। तुमने कोई वो देखी है रेड रेड सी गाय? बहुत सारी रूसी गाय, रूसी गाय कहते हैं। तो रूसी गाय को क्या बोलते हैं? जर्सी। क्या बोलते हैं? जर्सी। इनकी क्वालिटी क्या है? सबसे स्वीटेस्ट मिल्क कौन सी गाय का? सबसे ज्यादा फैट कौन सी गाय में? वेरी गुड, यही बात है। सबसे ज्यादा फैट कौन सी गाय के मिल्क में होता है? जर्सी। सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज कौन सी गाय के मिल्क में है? जर्सी। किस कौन सी गाय? जर्सी। कौन सी? तो बोलो फिर एचएफ। होलिशियन फ्रीशियन कहां की है? होलैंड और? होलैंड और? सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है? कितने हजार लीटर दूध देती है? 5 से 50 लीटर भी दे दे पर दिन का, 40 लीटर भी दे सकती है, 60 लीटर भी दे सकती है। जो ये विदेशों में गाय भैंस है ना, उनका तो अब आप दूध निकालने लग जाए, 7 मिनट में दूध निकालना,
50 लीटर कौन निकालेगा भाई, 25 लीटर हो गया एक टाइम का, दो टाइम पे दूध निकालते हैं ना सुबह और शाम, तो 25 लीटर में तीन बाल्टियां भर जाएंगी। और दूध देखो कैसे निकालोगे, कितने हाथ थक जाएंगे, कौन से मेथड से निकालते हैं दूध, फुल हैंड। तो बाहर जितनी भी ये गायें भैंस है ना, उनके मशीनों से दूध निकलता है। कैसे निकलता है? अब जैसे इसके पास 1000 गाय है तो दूध निकालने लग गया तो मतलब 5-6 दिन तो इसमें ही लग जाएंगे दूध निकालने में, है ना। तो मशीनों से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मशीनों से। तो बोलो HF, पोलिशियन फ्रीशियन, कहाँ की? बोलो ब्राउन स्विस, कहाँ की? बोलो जर्सी, कहाँ की? तो तीनों बार की है क्या? बोल सकता हूँ क्या एक्जोटिक ब्रीड? बोल दू? तो अब ये एक्जोटिक है। अब इसके बाद करते हैं हम हाइब्रिड ब्रीड। हाइब्रिड मतलब क्रॉस, कोई भी दो ब्रीड थी गाय की, उनकी क्रॉस करवा के एक नई ब्रीड तैयार कर दी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। तीन आएंगी गाय, अब तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आएगा तो एक बॉक्स बना देते हैं, इसके अंदर करवाएंगे आपको। ये हटा दूं, ओलैंड नीदरलैंड, यहां पर करेंगे अब तीनों हाइब्रिड। ये ना जो अपना AFO का पेपर होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, दोनों क्वेश्चन आ गए थे। अब मैं जो तीन गायें करवाऊंगा उसमें से दो क्वेश्चन आए थे, देखो अब कौन सा। एक होती है फ्रिश वोल, कौन सी होती है? आपको पता है, ये मेरी गारंटी है, आपको पता है किस किस की क्रॉस है। इसमें कोई बोलना नहीं, किस किस को पता है। इसमें ना दो गायें छुपी हुई हैं इस नाम में, इस नाम में दो गायें छुपी हुई हैं, दो गांव के नाम, दो गायें हैं जिनके नाम इसमें छुपे हुए हैं। हाँ जी, देखो फ्रीश आ गया, अरे ओलिशियन फ्रीश, तो ये गाय हो गया एक नाम, एक साहीवाल, साहीवाल का वाल नहीं आ गया, तो किसकी क्रॉस है ये? HF। और एक क्वेश्चन और आ गया मेरे माइंड में, एक और क्वेश्चन आ गया, इनमें से फीमेल कौन सी है और मेल कौन सा है? जो पहले होती है ना, जो फर्स्ट होती है वो फीमेल होती है, क्या होती है? फीमेल। तो ये फीमेल है और ये क्या मेल है, ठीक है। तो पहले है फीमेल और दूसरा क्या होता है? मेल। इन दोनों की क्रॉस करवाई, HF और साहीवाल की क्रॉस करवा के एक नई गाय बना दी, कौन सी? HF का क्या ले लिया? फ्रिश। क्या ले लिया? फ्रिश। और साहीवाल का वाल, तो क्या बना दिया? पहचान लोगे अब तो नहीं भूलोगे ना, फ्रिश वाल में दो गाय हैं, कौन कौन सी? HF और साहीवाल, होलिशियन फ्रीशियन साहीवाल, दोनों को मिला के क्या बना दी? फ्रिश वाल। क्या बना दी? फ्रिश वाल। दो और हैं, एक होती है करन स्विस, क्या होती है? क्या होती है? करन स्विस। क्या होती है? करन स्विस। और एक होती है करन फ्राइज, क्या होती है? करन फ्राइज, करन फ्राइज, करन फ्राइज। तुम्हें ना इन दोनों में एक गाय दिखेगी, करन स्विस में कौन सी गाय दिख रही है? ये तो दिख गया, ब्राउन स्विस दिख गई ना, तो यहां पर तो ब्राउन स्विस आएगा ही आएगा। और इसमें कौन सी दिख रही है? HF, तो यहां पर तो HF आ गया। अब ये दोनों रह गए, यहां पर क्वेश्चन आएगा, तो करन स्विस क्या आ गया? करन स्विस। स्विस में कौन सा वर्ड आ रहा है? S, S से साहीवाल, क्या है? साहीवाल। तो साहीवाल और करन स्विस के बीच में क्या बनेगा? साहीवाल और ब्राउन स्विस की क्रॉस करवा के क्या बन गया? करन स्विस। बोलो करन स्विस। करनाल, हरियाणा, NDRI, बोलो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है? करनाल में कौन सी ब्रीड बनाई गई? करन स्विस। किस किस की क्रॉस हुई? स्विस से क्या याद रह जाएगा आपको? ब्राउन स्विस। और स्विस में क्या आ रहा है? एस। एस से क्या बन गया? साहीवाल। तो साहीवाल और ब्राउन स्विस की क्रॉस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो करन स्विस। करनाल, NDRI, 1955, 1955 में कहां पर आई थी? हरियाणा में। कहां पर आई थी? हरियाणा में। कौन आई थी? NDRI। कौन आई थी?
बोलो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने गाय बनाई? बोलो करण स्विस करण प्राइस। अब इसमें फीमेल कौन है मेल कौन है? फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, फर्स्ट वाली सेकंड वाली, ठीक है। अब बोलो करण प्राइस होलिशियन फ्रीशियन थार पार्कर, थार पार्कर, थार पार्कर। तो थार पार्कर गाय कौन से पर्पज की काउ थी? कौन से पर्पज की? बोलो हरियाणा, राठी, ओंगोल, कंकरेज, थार पार्कर। तो थार पार्कर और होलिशियन फ्रीशियन की क्रॉस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? करण 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 पुलाचक होलिशियन फ्रीशियन। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? कितने लीटर? 5000 से 5000 से 5000 से 5000 से। बोलो ब्राउन स्विस कहाँ की है? जर्सी। फैट सबसे ज्यादा किसमें? बोलो फ्रिश वॉल। कौन कौन सी दो गाय? एच एफ और बोलो करण स्विस। स्विस तो ब्राउन स्विस और सह से स्विस सह से साहिवाल, याद रह जाएगा। साहिवाल और ब्राउन स्विस की क्रॉस को क्या बोलते हैं? करण स्विस। करण से याद रख लेना, करण नगरी करनाल को बोलते हैं, करनाल को बोलते हैं धान का कटोरा। क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। गाय सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर है? सिरसा, 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 सिरसा से कौन? तो तुम्हारे सिरसा से गाय कहां पर है? सिरसा में गाय सबसे ज्यादा कहां है? सिरसा में। हिसार से कौन कौन है? बफलो जब सबसे ज्यादा हिसार में। एच यू कहां पर है? सबसे ज्यादा पशु कहां पर है? ठीक। और जींद में क्या है? मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा कहां पर है? जींद में। मुर्रा बफलो सबसे ज्यादा जींद में। मुर्रा बफलो सबसे ज्यादा राइस चावल सबसे ज्यादा करनाल। कहां पर है? करनाल। कहां पर है? करनाल। कहां पर है? करनाल। वेरी गुड। अब पूछेंगे 5 क्वेश्चन एग्जोटिक ब्रीड ऑफ काउ से। 5 क्वेश्चन पूछूंगा आपके सामने है। अभी भी कुछ पूछना है तो बता दो। कुछ पूछना है? कोई डाउट नहीं है? तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे अभी। बोलना नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। बस भाई अब शांत हो जाओ। कौन है ना? 2 बजने से 10 मिनट पहले तक बस, 10-15 मिनट और है। मतलब अब मैं कौन कौन सी ब्रीड रहेगी? एक तो रहेगी गोट की, और एक किसकी रहेगी? सिप, और एक रहेगी डिजीज। बस मतलब क्या है? एनिमल हस्बेंड्री कल कंप्लीट है। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, एक एक क्वेश्चन सभी से पूछ लेते हैं, एक एक क्वेश्चन सभी से। तो रेडी? एक एक क्वेश्चन सभी से पूछेंगे। कॉपी बंद, बुक्स बंद, पैक कर दो। सभी ने आंसर देना है। एक क्वेश्चन पर स्टूडेंट, क्वेश्चन पर स्टूडेंट। बात और बताऊं, जितना मैं पढ़ा चुका हूं सारा का सारा आ जाएगा। अब बस क्वेश्चन के आंसर सुन लेना, क्वेश्चन के आंसर सुनने हैं। जितनी मैंने एनिमल हस्बेंड्री अब तक करवाई है सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चनों में। तो सुने भाई, करें स्टार्ट। कल हमने यहां से स्टार्ट किया था ना, तो आज यहां से करते हैं। यहां से करा था आज, यहां से परसों, फिर यहां से। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कल आए थे ना? नहीं आए? तो फिर अब आप बता दो मेरे को, फ्रिश वॉल क्या है? फ्रिश वॉल कौन सा एनिमल है? काओ, बफलो, काओ। तो काओ इज द राइट आंसर।
फ्रिश बोल, होलिशियन फ्रिशियन और साहिवाल की क्रॉस थी। नेक्स्ट आप बताओ, करन फ्राइज, करन फ्राइज किस किस की क्रॉस है? करन फ्राइज, थार पार्कर और एच एफ, थार पार्कर और एच एफ, थार पार्कर और एच एफ। करन स्विस, साहिवाल और ब्राउन स्विस, साहिवाल एंड ब्राउन स्विस, इसको क्या बोलेंगे? करन स्विस। क्या बोलेंगे? करन स्विस। मिल्क की पीएच 6.6। मिल्क में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा विटामिन नहीं होता मिल्क में? विटामिन सी, विटामिन सी। हैन के मीट को क्या बोलते हैं? चिकन। पिग के मीट को? बफलो के मीट को? सारे सुनो, बफिन, सारों ने सुनना है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा। काओ के मीट को? बीफ। काओ के मीट को? बीफ। पिग के मीट को? पोर्क। क्या बोलते हैं? पोर्क। क्या बोलते हैं? पोर्क। क्या बोलेंगे? पोर्क। वेरी गुड। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, क्या है ये? किसका मेथड था ये? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। पास्चराइजेशन क्या है? टेम्परेचर कितना होता है? 61 से 63। कितनी मिनट्स के लिए? 30 मिनट्स। हाई टेम्परेचर डिग्री टेम्परेचर 71 से 76.6। कितनी सेकंड्स के लिए? 15। कितनी सेकंड? 15। कितनी? 15। 15 सेकंड। कितनी सेकंड? 15। ऑफ काओ 282 डेज। वेरी गुड प्यारे बच्चे, 282 दिन। नेक्स्ट गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफलो 310 से 316। गेस्टेशन पीरियड ऑफ शिप 148। गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट 150। सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर किसका है? हैन का। हैन का कितना है? 41.7 डिग्री सेल्सियस, 41.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट लैक्टोज किसके मिल्क में सबसे ज्यादा है? ना, कैमल। वेरी गुड। कैमल में क्या होता है? लैक्टोज होता है कैमल के मिल्क में। किसके मिल्क में? कैमल। वाटर सबसे ज्यादा किसके मिल्क में? गोट, बकरी। ठीक है जी, कौन सा? कैमल ही आएगा। ठीक है ना, साहिवाल का स्पेशल क्वेश्चन बन के आएगा, स्वीटेस्ट मिल्क कौन सी काऊ का है? तो चारों ऑप्शन में गाय आएंगी। ठीक है ना, जब साहिवाल राइट आंसर है। नेक्स्ट आप बताओ मुझे, बदावरी क्या है? बदावरी बफलो क्या है भाई? बफलो। बदावरी क्या है? बफलो। ठीक है, एग, एग में कितने ग्राम प्रोटीन? कल आए थे? कल नहीं आए तो कल करवाया था ना एग, तो एग में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 6 ग्राम। क्या होता है? 6 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट 6.5। विटामिन 14। और एग के अंदर जो योक होता है येलो कलर का, क्यों? क्यों? जैंथो, जैंथो, जैंथो। तो जितनी एनिमल्स बैंडी करवाई है लर्न है सारी? यदि कल मैं सारी बच्चा बता देगा? पक्का? चलो टेस्ट करते हैं, अभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है जो कल आए थे उनके लिए। ये क्वेश्चन जो ये मैंने क्वेश्चन ये करवाया भी नहीं होगा, ये लो अभी कर लिखते थे। फर्स्ट किसी ने आंसर नहीं बोलना। फर्स्ट क्लोन बफलो, तुम सोचोगे आता है तो? फर्स्ट क्लोन बफलो फ्रॉम
cloned buffalo. एक मिनट रुक जाओ, किसी ने आंसर नहीं बोलना। ए ऑप्शन गरिमा वही है, बी ऑप्शन महिमा, सी ऑप्शन सुवर्ण रूपा, डी ऑप्शन कागा, ए बी सी डी। एक मिनट रुक जाओ, किस किस को याद है? ए वाले आंसर, ए वाले, ए किसका आंसर है देख लो। बी सी डी, सी पे तीन बच्चे हैं, ए पे एक है और बी पे सारे हैं, तो बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्लोन बफ, क्लोन बफलो देखो गरिमा थी, क्लोन क्लोन पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा? क्लोन बफलो की क्लोन कौन सी है? महिमा। क्या है? महिमा। वैसे तो राइट आंसर क्या था? स्वर्ण रूपा। आंसर आया था स्वर्ण रूपा, ऑप्शन में नहीं था। स्वर्ण रूपा को कौन सी बीमारी होगी थी? लंग्स में दिक्कत होगी थी। किस में दिक्कत होगी थी? लंग्स में। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।